कामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। मान्य महान भावों ने आस्था और अपनत्व पूर्वक सराहनीय भावों को समय की सीमा में प्रस्तुत किया। विज्ञान पर संगोष्ठी का समायोजन संपन्न हुआ। अर्थशास्त्र पर भी गोष्ठी का समायोजन संपन्न हुआ। राजधर्म पर संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तर के राष्ट्रीय स्तर के महानुभावों ने अब तक जिन भावों को व्यक्त किया है उनको सुनकर मुझे एक अद्भुत आह्लाद प्राप्त हुआ है। मैं उसे व्यक्त करना उचित समझता हूँ। छलवल डंके की चोट से स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले से विदेशी षड्यंत्र के ग्रास बने हुए व्यक्तियों ने वेदादि शास्त्रों के प्रति, मनुस्मृति के प्रति, पुराणों के प्रति पर्याप्त अनास्था उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन मैं इस बात को लेकर अत्यंत प्रमुदित हूँ, विश्व स्तर के मान्य वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्र के जानकारों ने और आज की संगोष्ठी में राजनीति के मर्मज्ञों ने वेदादि शास्त्रों के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति जो आस्था व्यक्त की है उससे लगता है कि दिशाहीन राजनेताओं के, विदेशी षड्यंत्रकारियों के चपेट में बौद्धिक जगत अब तक नहीं आ पाया है। यह बहुत ही आह्लाद की बात है। इसको लेकर मैं बहुत प्रमुदित हूँ। एक संकेत करता हूँ। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी नामक वेदांत ग्रंथ का यह वचन है। हमारा आपका जो यह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक है। सूक्ष्म शरीर में पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, अंतःकरण है, प्राण है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वेदांत प्रस्थान के अनुसार दोनों ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के कार्य हैं। और जो कारण शरीर जिसको अविद्या कहते हैं, जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, वो माया का ही एक स्वल्प रूप है। तो मैंने संकेत किया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर विचार करें तो समष्टि से ही इन तीनों शरीरों की अभिव्यक्ति हुई है। और जैसे व्यापक आकाश घटगत परिलक्षित होता है तो उसे घटाकाश कहते हैं, वैसे ही जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का एक उज्ज्वल अंश सरीखा है जो कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के योग से जीव कहा जाता है। वस्तुतः हुआ परमात्मा स्वरूप चिदाकाश ही है। अब तक मैंने दार्शनिक धरातल पर इस तथ्य को उद्भाषित किया कि समष्टि से ही व्यष्टि की संरचना हुई है। व्यष्टि का समूह समष्टि है यह मान्यता तो आजकल है, लेकिन समष्टि से ही व्यष्टि की अभिव्यक्ति हुई है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
इसलिए व्यष्टि जीवन की सार्थकता समष्टि हित में सन्निहित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक वचन दो बार अभिव्यक्त किया है, सर्वभूत हिते रहता। भगवान उस पर लट्टू हो जाते हैं, प्रवणित होता है, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में सन्निहित है। सबके हित का मार्ग प्रशस्त करने पर अपना हित हो ही जाता है। और एक विचित्र बात है, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, जो भी लक्षण भगवत भक्तों के बताए गए हैं, जिस पर भगवान स्वयं रीझ जाते हैं, उन भक्तों को बहुत प्रिय मानते हैं, वे क्या हैं? सबके पोषक हैं या नहीं? इसका मतलब कर्मकांड की दृष्टि से हम विचार करें तो श्राद्ध, तर्पण, पंच महायज्ञ, ये सब जो हैं सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। उपासना कांड की दृष्टि से विचार करें तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये जो लक्षण हैं भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को अपने जीवन में अभिव्यक्त करने की विधा, वो भी सबके हित में संलग्न है। और जो ज्ञानकांड की दृष्टि से विचार करें तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, सबका अधिष्ठान है। इसका अर्थ है कि परिच्छिन्नता का पोषक तो न कर्मकांड है, न उपासना कांड है, न ज्ञान कांड है। इस दृष्टि से हमको वैदिक वाङ्मय को देखना चाहिए। एक मैं संकेत करता हूँ, पिछले सत्रों में भी मैंने व्यापक रूप से उधर श्रोताओं का ध्यान केंद्रित किया था। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्यता कहीं परिलक्षित है, उसका मूल कारण क्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक गवेषणा की आवश्यकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, कल्पना कीजिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की तिलांजलि दे दें, किसी ढंग से भावुकता में, राग द्वेष के चपेट में, अज्ञान के चपेट में आकर इनकी उपयोगिता न समझें, तो केवल अपनी बुद्धि से उद्भासित विकास की परिभाषा, उसके क्रियान्वयन की विधा तो अभिशाप बनेगी, जैसे कि आजकल। इसलिए मैंने संकेत किया, कहीं भी दिव्यता का आधान करना हो तो वैदिक सिद्धांत का आलंबन लेना ही चाहिए। अर्थ की संगोष्ठी में मैंने एक भाव व्यक्त किया था, मान्य महान भावों का ध्यान उधर केंद्रित हुआ या नहीं, लेकिन वाजपेयी जी इत्यादि जो वक्ता थे उनका ध्यान अवश्य केंद्रित हुआ है, पहले से भी वो बहुत ही प्रबुद्ध रहे हैं। 99% अर्थ का स्रोत तो आजकल भौतिक व्याधियों को पता ही नहीं है। अर्थ का स्रोत जो हम लोगों को 100% मालूम है, आधुनिक जगत में जो देहात्मवादी हैं, कम्युनिज्म की धारा में, भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, बुरा न मानो होली है, 99% अर्थ का स्रोत, अर्थोपलब्धि का परिज्ञान ही उनको नहीं है। और 1% जो अर्थ की परिभाषा उनके हृदय में सन्निहित है, उसे भी क्रियान्वित करने की क्षमता उनके जीवन में नहीं है। मैं एक संकेत और इस संदर्भ में करना उचित समझता हूँ कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार अपने अपने अधिकार की सीमा में, अभिरुचि की सीमा में सबका पोषण संभव है, कोई किसी का अनावश्यक शोषक नहीं होता। कारण क्या है कि हमारा दार्शनिक आधार ही इतना उदार है और वैज्ञानिक है, सत्य है, तथ्यपूर्ण है, उसको दूसरा कोई छू भी नहीं सकता। उदाहरण मैं देता हूँ, एक भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वही जगत बनाते हैं और जगत बनते हैं, सर्व रूपों में स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार विचार करें, सर्वम खलिदम ब्रह्म, गीता के अनुसार वासुदेव सर्मिति, उपनिषदों के अनुसार तदेक्षत स इक्षण चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मान स्वयं मकृत। इसका मतलब इससे उदात्त सिद्धांत क्या होगा? मैंने संकेत किया कि ही सर्व रूपों में जब भगवान ही अभिव्यक्त हैं, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, दिक् के रूप में, काल के रूप में, स्थावर प्राणी के रूप में, जंगम प्राणी के रूप में, तो एकत्व अनुपस्थितः तत्र को मोह का शोक, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थितः, उमा जे रामचरित
राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु देखें जगत काशन काशन करें विरोध। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे यहाँ तो समष्टि हित की भावना से भावित होकर ही सकल व्यवहार का संविधान है। एक संकेत में संबंध में और कर देना चाहता हूँ। प्रायः लोग कह सकते हैं कि जब इतना उदात्त सिद्धांत है, उपनिषदों के आधार पर मैंने बताया, कुछ महान भावों ने वसुधैव कुटुंबकम वाक्य का भी उच्चारण किया है। वसुधैव कुटुंबकम भी महोपनिषद का ही वचन है, मतलब यह भी श्रुति ही है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, यह वचन भी गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। उदात्त सिद्धांत यही हो सकता है न, सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह तो वैदिक वाङ्मय की ही अभिव्यक्ति है, देन है। फिर एक विचित्र तथ्य है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब इतना उदात्त सिद्धांत है तो फिर अमुक ब्राह्मण, अमुक क्षत्रिय, अमुक वैश्य, अमुक शूद्र, अमुक अंत्यज, इस प्रकार का प्रकल्प क्यों चलाया गया? इसी को लेकर तो विद्वेष की संभावना है, या विद्वेष का यह बीज है। इस पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है गंभीरता पूर्वक। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहमनंती, श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद का यह वचन है। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं वो काल्पनिक मनःकल्पित अदूरदर्शितापूर्ण विचार को ताक पर रख कर ही विचार करते हैं। इसका मतलब तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम, बौद्धों का भी सिद्धांत है तथ्य का सत्य का तत्व का पक्ष लेना जीव का या उसकी बुद्धि का स्वभाव होता है। सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा को प्राप्त कर सके। निर्भेद परमात्मा करता है सच्चित आनंद, जिसे प्रत्यगात्म रूप से वर्ण करने पर मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन सदा के लिए क्या होता है, निरस्त हो जाता है। और देहत्याग के बाद सच्चित आनंद स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। और जीवन काल में असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ मृतम गमय की गाथा चरितार्थ होती है। इसका मतलब जितने भौतिकवादी हैं, कान खोल कर सुन लें, जितने भौतिकवादी हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका वे सदुपयोग कर सकें। पांच उंगलियों में भेद है लेकिन हथेली एक है, भेद के मूल में भेद हो ही नहीं सकता है। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम, समस्त भेद भूमियों का अतिक्रमण करके व्यक्ति निर्भेद परमात्मा में मन सन्निहित कर सके, इस भावना से भावित होकर जो वेदादि शास्त्रों में वर्णाश्रमोचित भेद का विधान किया गया है, अगर उसे कोई स्वीकार नहीं करता है तो शिक्षा सबको संतुलित रूप में सुलभ हो संभव नहीं, रक्षा सबको संतुलित रूप में सुलभ हो संभव नहीं, अर्थ या जीविका सबको संतुलित रूप में सुलभ हो यह भी संभव नहीं। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, सेवा का प्रकल्प भी सबको संतुलित रूप में सुलभ हो संभव नहीं। तो मैंने अब तक क्या कहा, सकल भेद भूमियों का व्यक्ति सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक पहुँच जाए, इसलिए जिस भेद की कल्पना वेदादि शास्त्रों के द्वारा या वेदज्ञ मनुष्यों के द्वारा की गई है उसका अनुपालन बहुत आवश्यक है, उचित है, अनिवार्य है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग का दार्शनिक सिद्धांत इतना उदात्त वेदादि शास्त्रों के आधार पर कि पूरा विश्व गुप्त या प्रकट उनके प्रति नतमस्तक। लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने भी यह संकेत किया भाष्यों के माध्यम से, शास्त्र सम्मत भेद को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भेद के सदुपयोग की क्षमता ही नहीं होगी। पूरा विश्व स्थापित है, मैं संकेत कर रहा हूँ डंके की चोट से, भेद के सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं होती, और भेद का आलम्बन लेकर निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने की क्षमता भी भौतिकवादियों में नहीं होती। अब राजनीति या राजधर्म को लेकर मैंने अब तक संकेत किया, जब समष्टि से ही व्यष्टि की संरचना हुई है
और समष्टि भावापत्ति से ही व्यष्टि जीवन की सार्थकता है, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी का शोषक अनावश्यक हो ही क्या सकता है। इसका मतलब सबके पोषण का सिद्धांत सनातन धर्म में है, और जो भेद की प्रस्थापना की गई है उसके पीछे भी हर प्रकार से लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैंने अर्थशास्त्र की गोष्ठी में एक प्रश्न कर दिया था, उत्तर भी मैंने ही दिया, मैं एक संकेत करता हूँ। ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो। जैसे कि आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से जब आरक्षित होगी तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता स्वाभाविक होगी। हमारे माननीय मोदी जी हों या ट्रंप जी हों या जो भी हों, सब बहुत लाडले प्यारे हमारे हैं, लेकिन विचार करना चाहिए। आप आर्थिक संतुलन, आर्थिक व्यवस्था की बात करते रहिए, पूरा विश्व तो अभिशप्त है। अभिशप्त क्यों है? कम से कम भारत आदि में जहाँ पर सनातन परंपरा से जीविका हर व्यक्ति की सुरक्षित थी, उसका अपहरण न करते, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न न करते, एक दिव्यता होती। वो दिव्यता क्या होती? उस व्यवस्था में जहाँ हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित है, वो राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, उपेक्षा मूलक नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार दृष्टि से अत्यंत उपयोगिता है उसकी। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता की संभावना नहीं है। और जहाँ, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता ना हो, अनावश्यक विषमता ना हो, ये संभव ही नहीं है। राजनीति की परिभाषा मैंने 10 मिनट और कहना है, राजनीति की परिभाषा मैंने विश्व स्तर पर दी, उसको थोड़ा खोल दूँ ताकि व्यक्ति की सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में स्वाभाविकी प्रीति प्रवृत्ति हो सके। मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों किया, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की विश्व स्तर पर सनातन अनुसार परिभाषा हमने निर्धारित की। कहाँ से इन शब्दों को लिया? वैदिक वाङ्मय से लिया। किस आधार पर लिया? ब्राह्मणों की दिव्यता को मैंने दो शब्दों में गुम्फित किया है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित। क्षत्रियों की दिव्यता को एक शब्द में गुम्फित किया, सुरक्षित। वैश्यों की दिव्यता को एक शब्द में गुम्फित किया, समृद्ध, संपन्न। शूद्रों की योग्यता को एक शब्द में गुम्फित कर दिया, सेवापरायण। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सबसे क्या लिया? स्वस्थ। और अंत में सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की, इसके समान या इससे बढ़कर स्वस्थ परिभाषा संभव ही नहीं है। समग्र वैदिक वाङ्मय का मंथन करके राजनीति की हमारे यहाँ से यह स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर स्थापित की गई है। साथ ही साथ मैं संकेत कर दूँ, राजनीति दिशाहीन कब होती है, अर्थ भी दिशाहीन कब होता है, विज्ञान भी दिशाहीन कब होता है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान न हो तब सब में विसंगति आ जाती है। जीवन की सार्थकता के स्वरूप का विज्ञान न हो तो सब में विसंगति आ जाती है। सृष्टि की संरचना है ही क्यों? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय के बाद महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करुणा वरुणालय ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और जीवों के अभुक्त कर्मों को फलोन्मुख करने की भावना से तथा उन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न जीवन यापन की योग्यता प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। इसका अर्थ भागवत का वचन है, यह अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। राजनीति की भी स्वस्थ परिभाषा यही होगी, उसके ओ क्रियान्वित करने का अर्थ भी यही होगा कि व्यक्ति को अर्थ धर्म काम मोक्ष या अर्थ काम धर्म मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त हो सके। थोड़ा विचार कीजिए, मैंने परिभाषा पहले की भी थी,
फिर सुनने की आवश्यकता है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। अंत में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में अन्न की जो परिभाषा दी गई है, कोई भी भोग्य पदार्थ हमारे पास जब आएगा तब तो उसका नाम अन्न हो जाएगा। अन्न की बृहद मीमांसा पृथ्वी जी के चरित में श्रीमद्भागवत के 34 स्कंध में सन्निहित है। भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। आस्तिक नास्तिक वह सम्मत अर्थ की यह परिभाषा है। भोग्य पदार्थ के समुचित सेवन से प्राप्त जो पुष्टि और तृप्ति है उसी का नाम काम है। काम कोई अश्लीलता नहीं है। फिर से सुनिए, काम का अर्थ है भोग्य पदार्थ के सेवन से जीवन में जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित जीव में जो पुष्टि और तुष्टि की निष्पत्ति होती है उसी का नाम काम है। अब धर्म क्या है, धर्म को भी विचार करना चाहिए। हमारे लाडले प्यारे पासवान जी ने संकेत किया था धारणा धर्म। धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। धारणा धर्म जो धारण करे उसका नाम धर्म है। धर्म से कैसे आप बचिएगा, पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी, पृथ्वी को जल, जल को तेज, तेज को वायु, वायु को आकाश, आकाश को प्रकृति, प्रकृति को ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, भगवत तत्व धारण करने वाला है। अब इस धर्म की परिभाषा को कौन विमुख कर देगा। धारणा धर्म, धर्म की सिद्ध परिभाषा यही है। कहाँ पर विचार करें तो महाभारत के शांति पर्व में, कर्म पर्व में और अमरकोश में, साथ ही साथ मत्स्य पुराण आदि में अनुष्ठानात्मक साध्य कोटि का जो धर्म है, यज्ञ दान तप व्रत इनकी उपयोगिता है। जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अद्भुत बल और वेग का संचार करने की भावना से अनुष्ठेय कोटि प्रविष्ट यज्ञ दान तप व्रत योग आदि का विधान किया गया है। तो हमने कहा कि धर्म क्या है, अर्थोपार्जन की वह विधा, विषयोपभोग की वह विधा जिसके फलस्वरूप जीवन दिशाहीन न हो और जीवन में वह अद्भुत बल वेग का संचार हो कि व्यक्ति का मन परमात्म तत्व की ओर, मृत्यु अज्ञता दुख पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रेसर हो सके, उसका नाम धर्म है। फिर मोक्ष क्या है, जो कुछ मृत्यु है, असत है, उससे जो कुछ जड़ता है, उससे जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना, यह मोक्ष है। तो राजनीति का लक्ष्य भी उन्माद नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में सहभागिता है। एक वाक्य में और कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, धर्म विहीन राजनीति विधवा है, विधवा के सदृश है, और राजनीति विहीन जो धर्म है रणुआ, विधुर के समान, जिसकी श्रीमती पत्नी दम तोड़ गई हो, एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र धर्म का नाम ही तो राजनीति है। मनुस्मृति का अवलोकन कीजिए, राज माने राजा। राजनीति का अर्थ मैंने आरंभ में दो ढंग से किया था, राज धर्म, राज विद्या, राजगुह्य, इन शब्दों का प्रयोग भगवद गीता में हुआ है। तो राज का अर्थ है श्रेष्ठ और नीति का अर्थ है धर्म। राज का अर्थ है राजा, राजा का अर्थ होता है क्षत्रिय। छात्र धर्म का नाम राजनीति है। उत्कृष्ट नीति का नाम राजनीति है। दंड नीति का नाम राजनीति है। अर्थ नीति का नाम राजनीति है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल शासन तंत्र की समुपलब्धि का नाम राजनीति है। उन्माद का नाम राजनीति नहीं है। तो हमने संकेत किया सज्जनों की राजनीति को राजनीतिक ढंग से विधा परिभाषित करें। अंत में एक संकेत और करते हैं कि राजनीति समझो इतनों ही मन में रहे मनोरथ गोई। तुलसीदास जी ने राजनीति को केवल एक वाक्य में परिभाषित किया, अपने मनोरथ को। वो मनोरथ ऐसा नहीं कि अन्यों के लिए घातक सिद्ध हो, सर्वहित में प्रयुक्त विनियुक्त जो उपाय हैं मनोरथ हैं, मन में छिपा के रखिए, उसको क्रियान्वित करने पर लोगों को मालूम पड़े कि हाँ इनके मन में यह भाव था। उन्मादपूर्ण राजनीति राजनीति है ही नहीं, इसका नाम तो बस अदूरदर्शिता की परिभाषा है। तो समय की सीमा में मैंने संकेत किया कि समष्टि से ही हमारा जीवन बना है, हमारे शरीर का उपादान कारण ही समष्टि तत्व है।
जैसे कोई घड़ा या ताम्र पात्र है, तो ताम्र धातु से ही पात्र की संरचना हुई है, इसी प्रकार हमारे जीवन जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तो समष्टि तत्व का ही एक व्यष्टि रूप है। समष्टि तत्व का ही व्यष्टि रूप हमारा जीवन है, और जो जीव है ममई वामसो जीवलोक के भूत सनातन हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी दृष्टि से हम भी समष्टि के एक अंश शरीके हैं, भगवान के एक अंश शरीके हैं। इसका मतलब समष्टि का ही एक मूर्त रूप व्यक्त रूप हमारा आपका जीवन है, समष्टि के एक इकाई घटक के रूप में ही हमको अपना जीवन प्राप्त हुआ है, तो इसका उपयोग और विनियोग सर्वहित में होना चाहिए। अपना भी कल्याण होगा, अन्यों का भी कल्याण होगा। तो कर्मकांड में तर्पण है, श्राद्ध है, बलि वैश्वदेव इत्यादि हैं, महायज्ञ हैं, हमने कहा संकेत किया, सबके पोषण में उसका विनियोग है। उपासना कांड में देवताओं की आराधना करते हैं, साथ ही साथ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम सकल प्राणियों के प्रति हमारे जीवन में क्या होता है, स्नेह होता है, अपनत्व होता है, सबके हित में व्यवहार करने पर भगवान संतुष्ट होते हैं। ज्ञान कांड में तो हम सबको आत्मा स्वरूप ही समझते हैं, तो आत्मा और आत्मी समझकर ही कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का प्रकरण चलता है। केवल तर्पण को लेकर विचार कर लीजिए, मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से मंत्र भावना विधि और सामग्री, मंत्र भावना विधि और सामग्री के द्वारा तर्पण की सिद्धि होती है। तर्पण के पीछे ही जो रहस्य छिपा है, मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हों, तृप्त हों, जो हमारे सगे संबंधी पूर्व जन्म के हमको भूल गए, जिनको हम भूल गए, नरक में पड़े हुए प्राणी, स्वर्ग में गए हुए प्राणी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं भी जो प्राणी हैं, मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से वो संतृप्त हों, वेदादि शास्त्र संतृप्त हों, सबके जीवन के पोषण में, सबकी तृप्ति में मेरे जीवन का उपयोग हो, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञान अंतःकरण का, प्राणों का, मुझ जीव का भी उपयोग सबके हित में हो, इसी का नाम तो तर्पण है। संध्या वंदन भी क्या है, शक्ति के आधान की एक प्रक्रिया है। हम चक्षु माने नेत्र और सूर्य की एकता का, वाक और अग्नि की एकता का, मन और चंद्रमा की एकता का जब चिंतन करते हैं, तब क्या होता है, आधिदैविक बल से हमारा जीवन संपन्न होता है। अंत में कोरोना की चर्चा बहुत हो रही है, अरे ये आधिदैविक प्रकोप है, अब कितनी भी दवा बना लो, ये आधिदैविक प्रकोप है। हमने पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को विकास के नाम पर विकृत किया है। हमको शुद्ध गंध, शुद्ध रस, शुद्ध रूप, शुद्ध स्पर्श, शुद्ध शब्द नहीं प्राप्त है। इसका मतलब हमने नदियों को जीवने जीवन शक्ति प्रदान करने वाली प्रत्येक वस्तु को विकास के नाम पर बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया है, उसके फलस्वरूप हमको विस्फोट प्राप्त हुआ है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, दवा का प्रयोग होना चाहिए, रामदेव बाबा ये सब मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन विचार यह करना चाहिए कि आखिर यह रोग आया क्यों है। इस रोग को थोड़े धक्का देकर भी विदा कर देंगे, इससे अधिक रोग आने की संभावना क्यों है। एक उदाहरण देकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। मच्छर मारने के लिए जो भी दवाएं ढूंढी गई, उससे क्या हुआ, उस समय के मच्छर तो मर गए, आगे जो मच्छर की प्रजाति उत्पन्न हुई वो इतनी बलवान कि उस दवा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ते। फिर अगर अभी इस समय जो मच्छर हैं इतने बलवान हैं, उनको मारने के लिए आप प्रक्रिया अपनाएंगे, तो अग्रिम पीढ़ी के जो अग्रिम प्रजाति के जो मच्छर होंगे, उन पर आजकल की दवा नहीं काम करेगी। कोरोना को मान लो हटा दो, भगा दो, आगे जो नया प्रकल्प चलेगा, आगे जो नई विभीषिका चलेगी, उस पर फिर 2 साल लग जाएगा अनुसंधान करने में। इस प्रकार की विभीषिका आवे ही नहीं, इस प्रकार सर्वे संत निरामया है, इसका प्रकल्प कहाँ है, किसी राजनीतिक खेमे में नहीं है, क्योंकि राजनीति का अर्थ हो गया उन्माद। गिने चुने व्यक्ति ऐसे हैं जो राजनीति के स्वरूप को समझते हैं, दंड फन से चुनाव लड़ना, जीत जाना, ये राजनीति का स्वरूप नहीं है। जब MLA MP बनने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपया देने पड़ेंगे टिकट देने के लिए, फिर प्रचार में भी 50 लाख खर्च करेंगे, तो व्यक्ति गद्दी पर जाकर राजनीति के नाम पर शोषक बनेगा या पोषक बनेगा। राष्ट्र की संरचना, राजनीति की उद्भावना ही लोकतंत्र पर के नाम पर इस प्रकार से की गई है कि व्यक्ति शोषक बने बिना नहीं रहता।
फिर मैंने संकेत किया कि शिक्षा पद्धति इस ढंग से बनाई गई है जो नीति और अध्यात्म विहीन है कि व्यक्ति तो बाजार का सौदा बनने के लिए राज्यम पर्ण्यम न करे, बाजार का सौदा बनने के लिए व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो समाज का शोषक होगा ही। अनिच्छन्नपि, हर व्यक्ति जब समाज का शोषक ही है तो राजनीति भी आज स्वस्थ रूप से परिलक्षित नहीं है, अर्थनीति स्वस्थ रूप से परिलक्षित नहीं है। इसलिए अब आवश्यकता है कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में सनातन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर राजनीति को परिभाषित करें और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलावें। हर हर महादेव।